तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या आता है, इसको समझने की कोशिश करें। देखो, अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारा फोर्स होता है एक्सटर्नल फोर्स, जो न्यूटन सेकंड लॉ से देखा था हमने, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो आपका एम इंटू ए होता है। और बच्चों, एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन जो है टाइम। याद होगा आपको, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लिख रहा हूं मैं। एक्सेलरेशन को लिखना होगा तो वी माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि ये नेट फोर्स होता था, मैंने बोला था बच्चों ये एक्सटर्नल फोर्स होता है, नेट फोर्स है ना। तो ये मास इनटू वेलोसिटी, इनटू मास का मल्टीप्लाई कर दो, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन बच्चों ये टाइम बचेगा। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि लेट सपोज जो एक्सटर्नल फोर्स है अगर वो जीरो हो जाए, इफ एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स ऑन द सिस्टम बिकम्स जीरो, इक्वल्स टू जीरो। तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो ये टाइम भी इधर मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ये किसके बराबर होगा बच्चों, जीरो के बराबर। और ये जीरो के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ कि मास इनटू फाइनल वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि ये जो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी है, ये फाइनल मोमेंटम है, और ये मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल मोमेंटम है। यानी फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, दैट मींस मोमेंटम इज कंजर्व, कांस्टेंट है मोमेंटम। इसका मतलब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो किसी भी प्रकार का चेंज इन मोमेंटम नहीं आएगा। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सिस्टम का कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं जल्दी से। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेट करता है, तो हम यहां पे लिखते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेट्स दैट स्टेट्स दैट When external force, acting on a system, is zero, acting on a system is zero, then the total momentum of the total momentum of the system remains कांस्टेंट, रिमेंस कांस्टेंट। तो मोमेंटम जो है बच्चों आपका कांस्टेंट रहेगा, दैट इज कांस्टेंट रहेगा, इसी का मतलब मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड हो गया, दैट इज कंजर्व्ड, है ना। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब जब आपका एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम सेम रहता है, तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम्स कांस्टेंट, दैट इज कंजर्व्ड, है ना बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है ना। बड़ी आसान चीज है, स्टेटमेंट वाइज तो ये चीजें समझ में आती। अब न्यूमेरिकल में जब अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि ये तो हमने स्टेटमेंट पढ़ ली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम,
अब इस स्टेटमेंट को प्रूफ भी किया जाता है एक एग्जांपल से, है ना। ये चीज हम प्रूफ करेंगे कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। हालांकि हमने यहाँ पे सेकंड लॉ से तो प्रूफ किया ही है, लेकिन इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी प्रूफ किया जाता है जो कि आपके एनसीईआरटी में है, इसलिए एक बार उसको भी देख लेना हमें चाहिए, है ना। और उसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, इसलिए वो समझना भी जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे फिर, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, दिस इज द कोलिजन कोलिजन बिटवीन द टू बॉडीज। तो आप लिख लेंगे कोलिजन बिटवीन बिटवीन द टू बॉडीज, टू बॉडीज, है ना। और इस पे बेस्ड आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे और एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलेंगे, ना। टू बॉडीज लिख दो, ठीक बच्चा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे दो बॉडी हैं, एक आपका ए बॉडी है, लेट सपोज उसकी जो रफ्तार है वो यूए है, और यहाँ पे दूसरी बॉडी है बी, उसकी रफ्तार मान लीजिए यू बी है, और दोनों की रफ्तार एक ही लाइन पर है, लाइन ऑफ एक्शन पर है, ठीक। अब इसका जो मास है ए का वो एम ए मान लो बच्चों, और बी का जो मास है वो एम बी मान लो, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो वेलोसिटी है ए की वो बी की वेलोसिटी से बड़ी है, तभी तो कोलिजन होगा ना, कोलिजन करना है हमें, तो ये जाके इससे टकराएगा। नहीं तो अगर सोचो वी की वेलोसिटी ज्यादा होगी ए की कम होगी, तो ये तो कभी टकराएंगे ही ना। इसलिए यहाँ पे नहीं भी लिखा होता तो ये बात समझना है कि इसको टकराने के लिए पीछे वाले की रफ्तार ज्यादा होनी चाहिए, तो ए की वेलोसिटी ज्यादा है और बी की वेलोसिटी कम है। अब जैसे ही बच्चों यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा तो एक पर्टिकुलर पोजिशन पे ये दोनों टकराएंगे ए और बी, ये ए और ये बी, तो ये बच्चों यहाँ पे इस तरीके से कोलाइड कर रहे हैं। और कोलिजन कोलिजन होने के बाद, क्योंकि जैसे ये कोलाइड करेंगे तो ए जो है वो बी पे फोर्स लगाएगा, दिस इज द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और बदले में बी, अगर ए इसके ऊपर एक्शन कर रहा है तो बी इसको रिएक्शन देगा, तो ये पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देगा, दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो इन दोनों पे जब फोर्स लग गया तो इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो मान लीजिए टकराने के बाद ये जो पार्टिकल ए है इसकी वेलोसिटी फाइनली वी ए हो गई, और जो बी पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी फाइनली वी बी हो गई, है ना बच्चों। तक क्योंकि फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा। तो मान लीजिए कि बी पे फोर्स लगने के कारण उस पे जो उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो वी बी हो जाती है, और ए पे फोर्स लगने के कारण जो वेलोसिटी है वो वी ए हो जाती है, और मास रिमेंस है, मास तो पूरे उसके दौरान कॉन्स्टेंट रहेगा ना, इसका मास तो ए ही रहेगा एम ए, और इसका मास जो है वो एम बी रहेगा, है ना बच्चों। तो इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात तो क्लियर होगी। इसके बाद फिर आप ध्यान से देखें, लेकिन यहाँ पे फोर्स है, ठीक भाई, अगर हमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बनाना है तो हमने क्या बोला कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तभी वैलिड है जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए। तो हमें तो ये पता है कि सर ने सिस्टम लेना सिखाया है, अगर मुझे इस सवाल को सॉल्व करना है और आसानी के साथ सॉल्व करना है, अगर मुझे रिलेशन निकालना है यूए इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज में मास के साथ, तो मुझे क्या करना चाहिए कि ये जो फोर्स है, अगर मैं केवल ए और बी को लूंगा तो ए के ऊपर बी फोर्स लगा रहा है तो ये ए के लिए एक्सटर्नल फोर्स है, सिर्फ बी को लूंगा तो बी के ऊपर ए फोर्स लगा रहा है तो बी के लिए एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन अगर सोचो कि मैं इन दोनों को सिस्टम ले लूं, सिस्टम ले लूं, सिस्टम, मैं ए को और बी को दोनों को साथ में सिस्टम मान लूं बच्चों, एक सिस्टम में कंसिडर कर लूं इन दोनों पार्टिकल्स को, अगर इन दोनों पार्टिकल्स को मैं सिस्टम ले लूं तो ये दोनों पार्टिकल एक ही सिस्टम के पार्ट है, तो ये जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे बच्चों ये तो इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे ना, इंटरनल फोर्सेस, यानी कि सिस्टम में जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पे आके कोई एक्सटर्नल इन दोनों पे फोर्स नहीं लगा रहा है, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स ड्यूरिंग द मोशन ड्यूरिंग द कोलिजन वो कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। अगर मैंने यहाँ पे सिस्टम ले लिया, इन दोनों को सिस्टम ले लिया, तो जो आपका ये है, जो आपका ये फोर्स लग रहे थे ए और बी, क्योंकि ये सिस्टम के ही पार्ट हैं दोनों, तो ये सिस्टम के पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये जो है ये इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे अगर मैंने दोनों को सिस्टम ले लिया है, और इंटरनल फोर्सेस
आपके कैलकुलेट नहीं होते हैं इसमें एफ इक्वल्स टू एम एम, मैंने आपको बताया था पहले भी। इसलिए अगर ये इंटरनल फोर्सेस हैं तो एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स वो कितना हो जाएगा बच्चों सिस्टम पर, जीरो। और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाद में इसमें लग जाएगा, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए उसको प्रूफ करते हैं कि अगर इनको सिस्टम मान लिया है तो देखिए बच्चों अब इसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया क्योंकि हमने इसको सिस्टम मान लिया है। अच्छा सिस्टम मान लिया, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो हमें ये प्रूफ करना है कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा इस एग्जाम्पल से, है ना। तो चलिए प्रूफ करते हैं उसको। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के बराबर होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा सिस्टम दोनों पार्टी, सिस्टम के अंदर ये दोनों पार्टिकल्स हैं ए और बी, है ना। तो अब देखो यहाँ पे मैंने आपको ये बोला है कि इंटरनल फोर्सेस है, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो हो गया है क्योंकि हमने इसको सिस्टम में दिया है। लेकिन आप एक बार बताओ जितना फोर्स, ये तो भाई एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, एफ ए बी और एफ बी ए, जितना फोर्स ए बी पे लगाएगा उतना ही फोर्स बी ए पे लगाएगा। तो एक्शन रिएक्शन पेयर की खासियत क्या है कि फोर्स ऑन ए बी मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ फोर्स ऑन बी ए। माइनस क्यों आया, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये हमने पहले भी देखा था न्यूटन थर्ड लॉ में कि एफ ए बी जो होता है वो एफ माइनस ऑफ एफ बी ए होता है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो, तो अगर मैं यहाँ पे एफ ए बी लिखूं तो एफ ए बी है क्या, ये फोर्स है किस पे लगने वाला बच्चों, ए पे लगने वाला बी के कारण। तो ये हम लिखेंगे, हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अब मान लो इनके कोलिजन के दौरान जो टाइम लगा वो टी लगा, तो हम लिखेंगे कितना कि चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि फोर्स ऑन ए निकाल रहे हैं तो चेंज इन मोमेंटम भी किस में लिखेंगे बच्चों, ए में। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए डिवाइड बाई टाइम। अच्छा फाइनल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा बच्चों, मास तो सेम है तो मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम का, तो फाइनल मोमेंटम में फाइनल वेलोसिटी, तो एम ए और फाइनल वेलोसिटी वी ए माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एम ए इंटू यू ए, और बच्चों नीचे क्या आ जाएगा टाइम। तो देखो आपने एफ ए बी निकाल दिया, वैसे एफ बी ए निकाल लो, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो दिस विल बिकम चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी क्योंकि फोर्स अब बी पे लग रहा है डिवाइड बाई टाइम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी डिवाइड बाई टाइम, यानी कि फाइनल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी इंटू मास ऑफ द पार्टिकल। तो एम बी इंटू वी बी माइनस इनिशियल पूछ रहा है तो एम बी इंटू यू बी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी पार्टिकल मिल जाएगा अपॉन टाइम। अब ये दोनों आपने निकाला, इन दोनों को आप इस इक्वेशन में पुट करो इनकी वैल्यू, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए डिवाइड बाई टाइम इज इक्वल्स टू, माइनस साइन है यहाँ पे तो बच्चों माइनस लगाओ, फिर ये ब्रैकेट में डालो और ये हो जाएगा एम बी वी बी इज इक्वल माइनस एम बी यू बी डिवाइड बाई बच्चों टाइम। तो टाइम और टाइम इन दोनों साइड से कैंसिल हो गया, देखो भाई, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बचा बच्चों एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा और ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एम बी वी बी और ये माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी, है ना बच्चों। तो ये एम ए यू ए को इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा एम ए वी ए प्लस, ये इधर आएगा एम बी वी बी तो प्लस हो जाएगा, तो एम बी वी बी इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। और बच्चों ये है क्या एक्चुअली में, देखो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, तो दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ व्हाट, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए प्लस दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी। लेकिन ए और बी को तो आपने सिस्टम माना है, सिस्टम माना, तो इस सिस्टम में दो पार्टिकल्स हैं और इन दोनों पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम का सम, और ये क्या है एम ए वी ए, दिस इज द फाइनल
मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए, दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी। लेकिन इस सिस्टम में तो आपने दो ही पार्टिकल माना है, ए और बी को। तो अगर ए और बी का दोनों का इनिशियल मोमेंटम का सम है तो ये है क्या? दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बच्चों, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ बोथ पार्टिकल्स बिकम फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो देखो ये प्रूफ हो गया, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। तो देखो ये प्रूफ किया था, ये हमने इस एग्जांपल के थ्रू प्रूफ कर लिया, कोलिजन बिटवीन द टू बॉडीज। तो आपको यही करना है, जब भी कोलिजन बिटवीन द टू बॉडीज होगा उसमें अगर आपको कोई भी चीज पूछे, VA, VB, तो आपको UA, UB और मास दिया जाएगा। तो आपको कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज में क्या करना है कि दोनों को सिस्टम में ले लेना है, दोनों पार्टिकल्स को। तो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम हो जाएगा जीरो। फिर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, दोनों का फाइनल और मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम लिखना, दोनों पार्टिकल्स का फाइनल मोमेंटम का सम, दोनों पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम का सम, और जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया वो आपसे बन जाएगा ये इक्वेशन जब आ जाएगी, है ना बच्चों। तो आई होप आपको क्लियर होगा इस एग्जाम्पल से कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे प्रूफ करते हैं, है ना। तो मैंने आपको बेसिक जो है सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ से उससे भी आपको समझा दिया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और कोलिजन बिटवीन द टू बॉडीज वाले एग्जाम्पल से भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बता दिया, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा और ये जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम कर चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने आपको समझा भी दिया है। अब उससे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड एक एग्जांपल भी है जिसमें हम गन की वेलोसिटी निकालते हैं, मतलब रिकॉइल ऑफ गन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अब हेडिंग डालेंगे रिकॉइलिंग ऑफ गन। अब रिकॉइलिंग ऑफ गन का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। तो रिकॉइलिंग ऑफ गन तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास इस तरीके से एक गन है बच्चों, और गन से मान लीजिए कि इस तरीके से बुलेट फायर की जा रही है ना। तो जब ये गन फायर करती है तो ये जो गन है ये बुलेट पे आगे की तरफ फोर्स लगाती है तो इसके पीछे की तरफ झटका लगता है ना, क्योंकि इक्वल एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो गन के कारण अगर बुलेट पे फोर्स लगेगा तो बुलेट पे भी तो फोर्स लगेगा। अब मान लीजिए कि मास ऑफ गन कैपिटल एन है बच्चों, स्मॉल एम इज द मास ऑफ बुलेट, ये हम मान लेते हैं। मान लीजिए कि इस पे फोर्स लगने के बाद जब बुलेट गन से बाहर निकलती है तो उसकी रफ्तार वी है, स्मॉल वी, स्मॉल वी इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो क्योंकि ये पीछे की तरफ झटका लेगी गन, तो ये जो पीछे की तरफ झटका लेती है इसको बोलते हैं बच्चों रिकॉइल वेलोसिटी, कैपिटल वी, है ना। तो मैं यहाँ पे सारी चीजें लिख लेता हूँ कि स्मॉल एम जो है वो मास ऑफ बुलेट है, मास ऑफ बुलेट जो आपका स्मॉल वी है वो है वेलोसिटी ऑफ बुलेट जब वो निकल रही है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। और कैपिटल एम जो यहां पर है वो है आपका मास ऑफ गन, है ना। तो कैपिटल एम जो है इट इज द मास ऑफ गन। मास ऑफ गन है ना बच्चों। और उसके बाद जो गन पीछे की तरफ झटका ले रही है क्योंकि उसने बुलेट के ऊपर फोर्स लगाया तो बुलेट ने भी उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो पीछे की तरफ जो वेलोसिटी आई है कैपिटल वी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ गन, या फिर इसी को बोला जाता है रिकॉइल वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। तो कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निकालने को आता है कि रिकॉइल वेलोसिटी क्या वैल्यू होगी बच्चों ये बताइए, है ना। तो ये हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, देखिए कैसे मैं आपको समझाता हूं। अगर हम एक काम करें कि भाई ये जो गन है और गन और ये जो बुलेट का सिस्टम है बच्चों, गन और बुलेट को दोनों को एक सिस्टम में मान लें, इसको दोनों को सिस्टम के अंदर ले लें, तो जो गन बुलेट पे फोर्स लगाएगा और जो बुलेट गन पे फोर्स लगाएगा वो तो इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे क्योंकि इस सिस्टम में दोनों है, बुलेट भी सिस्टम का पार्ट है और गन भी
सिस्टम का पार्ट है। तो गन बुलेट पे फोर्स लगाया, बुलेट गन पे फोर्स लगाया, वो तो इंटरनल फोर्सेस हो गए। और अगर वो इंटरनल फोर्सेस हैं तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लग ही नहीं रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल 0 हो जाएगा। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो आपका जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वहां, वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है इसका मतलब। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बच्चों यहाँ पे अप्लाई कर दो आप, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं, तो जो भी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, यही होता है ना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि हमें पता है कि यहां पर बच्चों एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 है, क्योंकि मैंने बुलेट और गन को दोनों को सिस्टम ले लिया। तो ये बात हमें समझ में आती है कि फिर इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है बच्चों वो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के बराबर होगा। अच्छा, सिस्टम में दो चीजें हैं, बुलेट और गन, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि इनिशियल मास ऑफ गन मतलब कैपिटल एम इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, है ना, वो लिखेंगे, प्लस मास ऑफ बुलेट, क्योंकि बुलेट भी सिस्टम है, तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो मास ऑफ बुलेट इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, है ना बच्चों, इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो मास ऑफ गन इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, है ना बच्चों, और प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये हम लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो, तो आप बुलेट जब गन से चली नहीं थी तो ये बुलेट और गन ये दोनों तो रेस्ट पे थे, फिर बुलेट ने फोर्स लगाया तो गन ने फोर्स लगाया तो बुलेट चली, और बदले में गन के ऊपर भी फोर्स लगा तो फिर गन चली, है ना। तो हम बता सकते हैं कि इनिशियली जो था बुलेट और गन का सिस्टम वो तो रेस्ट पे था, तो हम बोल सकते हैं कि इनिशियली इनिशियली द सिस्टम ऑफ, मतलब इस पर्टिकुलर केस में अगर कहीं पे वो फिर वो मोशन में होगा तो फिर वो कंसीडर करेंगे, लेकिन अभी तो हम ये मान रहे हैं कि इनिशियली जो सिस्टम है सिस्टम ऑफ गन प्लस बुलेट, इन दोनों का जो सिस्टम हमने लिया है वो इनिशियली रेस्ट पे था, इनिशियली एट रेस्ट, है ना बच्चों। तो हम ये मान लेते हैं रेस्ट पे था, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन भी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी 0 हो जाएगा, तो मोमेंटम जो हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम वो 0 हो गया। तो दिस इज मास ऑफ गन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ जो गन है वो रिकॉइल वेलोसिटी है जिसको हमने वी लिया है, तो उसको हम कैपिटल वी ले लेंगे, प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, फाइनली वो वी है बच्चों, स्मॉल वी, है ना, तो स्मॉल वी लिख लेंगे। अब हमें तो कैपिटल वी चाहिए क्योंकि रिकॉइल वेलोसिटी चाहिए, तो कैपिटल वी कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एम वी मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और डिवाइड बाई ये एम डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो दिस इज मास ऑफ गन, तो दिस इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इफ इनिशियली गन एंड बुलेट सिस्टम इज एट रेस्ट। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसमें देखो बच्चों, ये जो रिकॉइल वेलोसिटी आई है गन की, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि गन का मास कितना है। सोचो जितना ज्यादा मास होगा गन का, रिकॉइल वेलोसिटी उतनी कम होगी, उतना कम झटका देगी, और जितना मास कम होगा गन का उतनी ज्यादा रिकॉइल वेलोसिटी मिलेगी, उतना तेज झटका देगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो सोल्जर्स होते हैं वो एक्चुअली में गन को, ये जो गन का हिस्सा होता है इसको अपने शोल्डर पे लगाते हैं, जो बड़ी वाली गन होती है आपने देखा होगा पिक्चरों में या कहीं पर, तो ये शोल्डर में लगा लेते हैं। शोल्डर में लगाने का कारण क्या है कि वो अपना मास भी अटैच कर लेते हैं गन से, तो गन का ओवरऑल मास बढ़ जाता है, तो उसका झटका है वो कम हो जाता है, इसलिए वो ज्यादा झटका नहीं देगा। इसलिए कभी भी जो गन है उसको शोल्डर पे लगा लेना चाहिए, है ना, नहीं तो अगर आप ऐसे हवा में फायर करेंगे तो बहुत तेज झटका लगेगा, तो आपको चोट भी लग सकती है ना, गन पीछे की तरफ आएगी, बड़ी वाली गन जो होती है ना,
और हैवी भी होती है वो, तो अच्छी तेजी से लगता है अपन को, है ना। लेकिन उसको शोल्डर के साथ अटैच करने पर ये हमें फायदा हो जाता है कि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कम हो जाती है ना। तो आई होप आपको रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन समझ में आया होगा, रिकॉयलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो बच्चों ये एक एग्जांपल है उसका, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, इस तरीके से हम जहां पे चाहें। तो ये कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मूला है, इसको याद नहीं रखना है, मतलब ये आपने निकाल दिया ठीक है, जहां पे इनिशियली रेस्ट पे वहां पे ये फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन हर सिचुएशन में ये फॉर्मूला लगाए जरूरी नहीं है। हाँ, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे लगाया जाता है, वो याद रहेगा तो आपको हर सिचुएशन वैसे ही बन जाएगी, है ना। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉलिंग ऑफ गन क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बोला गया है, एक राइफल है, राइफल का मास 3 kg है, फिर उसमें से बुलेट फायर होता है जिसकी रफ्तार निकलने के बाद 100 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो मास जो है बुलेट का वो 0.03 kg है। फिर ये बोला गया कि ये बुलेट टेक्स 0.03 सेकेंड्स टू मूव आउट द वेरिएबल बैरल, तो इस बैरल से निकलने में उसको 0.03 सेकंड लगते हैं। तो आपको ये बताना है कि फोर्स कितना एक्सपीरियंस हो रहा है राइफल को, तो बुलेट निकलने के बाद इसको जो रिकॉइल मिला है उसका फोर्स क्या है, एंड ऑल्सो फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी, और रिकॉइल वेलोसिटी भी आपको फाइंड करना है। फोर्स आप तभी फाइंड कर पाओगे जब पहले जब आप रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड करोगे। तो अभी हमने सिस्टम देखा है बच्चों, तो यहाँ पे वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा। तो गन और बुलेट को आपको क्या करना पड़ेगा, राइफल और बुलेट को सिस्टम मानना पड़ेगा ना। तो हम बोल सकते हैं कि अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मोमेंटम टू द सिस्टम ऑफ टू द सिस्टम ऑफ राइफल प्लस बुलेट। तो राइफल और बुलेट को सिस्टम मान लो और उसमें अप्लाई करो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इनिशियली मान लीजिए कि ये सब रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हो जाएगा बच्चों 0, इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, तो मास इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, दैट इज रिकॉइल वेलोसिटी। तो वो फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों जो हमने पहले पढ़ा था, कि मास इनटू वी अपॉन मास ऑफ गन। तो यहाँ पे मास कितना हो जाएगा बच्चों बुलेट का, तो वो है 0.03 kg मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी कितना है 100 मीटर पर सेकेंड, अपॉन मास कितना है बच्चों गन का राइफल का, तो वो है 3। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 3/3 तो -1 आ जाएगा, तो -1 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब क्या है कि बुलेट अगर राइट तरफ गई है तो जो रिकॉइल मिल रहा है वो लेफ्ट की तरफ मिल रहा है, तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन जो है राइफल जो है वो पीछे की तरफ है -1 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चों। अब हमें फोर्स निकालना है, तो गन पे कितना फोर्स लगा, तो पहले देखो इनिशियली रेस्ट पे था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी जो राइफल की है वो है -1 मीटर पर सेकेंड क्योंकि पीछे की तरफ है। तो बच्चों एक्सलोरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है वो कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल अपॉन टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी है -1, इनिशियल वेलोसिटी राइफल की 0 है अपॉन टाइम। तो टाइम कितना लगा बैरल से बाहर आने में, उतना ही टाइम इसको पीछे जाने में लगा है, मतलब 0.03 सेकंड बच्चों। तो टाइम इंटरवल है जितना टाइम बुलेट को बाहर आने में लगा उतना ही टाइम इसको पीछे जाने में लगा, यानी वेलोसिटी चेंज होने में लगा। तो 0.03 जो है वो सेकंड टाइम हो गया आपका। तो इसमें अगर इसको पुट करेंगे और फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा बच्चों, इसको आप लिख सकते हो -1/0.03 m/s2। इसको ऐसा लिख लो। अब फोर्स ऑन गन, तो गन पे जो फोर्स है बच्चों वो कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। ये तो न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है, मास जो है गन का वो है 3 kg इनटू एक्सेलरेशन है वो है -1/0.03 0.03। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा बच्चों, अगर इसको यहाँ पे निकालेंगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.03, और ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो 100, तो 3 इंटू 100, अच्छा माइनस में आएगा
डिवाइड बाई नीचे 3 बचेगा, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाओगे, तो फोर्स अप्लाइड ऑन गन विल बी बिकम्स टू माइनस 300। बच्चों कितना? 300 न्यूटन। अच्छा, माइनस का मतलब क्या है कि जो गन पे फोर्स लगा है वो भी पीछे की तरफ लगा, तभी तो वेलोसिटी पीछे की तरफ आया है, ये माइनस साइन बता रहा है ना। कितना फोर्स लगा है, एक्सपीरियंस हो रहा है राइफल को, तो 300 न्यूटन का फोर्स है ना। आई होप आपको क्लियर होगा कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो आप रिकॉइल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो और फोर्स ऑन गन भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था। तो देखिए बच्चों, इस पे बेस्ड और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया कि एक राइफल है, लेट्स सपोज इस तरीके से, है ना बच्चों, और ये जो है इसमें से आपका बच्चों बुलेट निकलता है, और ये बोला जा रहा है कि जो बुलेट की रफ्तार है बैरल से निकलने के बाद वो 300 मीटर पर सेकंड है ना बच्चों, और मास ऑफ बुलेट जो है वो आपसे बोला गया है 10 ग्राम है, 10 ग्राम मास ऑफ बुलेट, ठीक। और ये बोला जा रहा है कि जो बुलेट है, द बुलेट टेक्स 0.003 seconds, seconds 0.003 seconds to move through its barrel। तो बैरल से बाहर आने के लिए वो 0.003 जो है वो समय ले रहा है सेकंड्स का, ठीक है। एंड लीव्स है ना, वो तो मैंने लिख ही दिया, और कितने से लीव कर रहा है बच्चों, 300 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट इज द फोर्स exerted on the bullet। तो बुलेट पे कितना फोर्स एग्जर्ट किया है बाय द राइफल, राइफल के द्वारा। तो राइफल ने इस पे कितना बुलेट पे बच्चों फोर्स एग्जर्ट किया। तो ये तो और आसान क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। देखो इसमें तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आ जाएगा। देखो निकलने के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वी, वो हो गई बच्चों कितना, 300 मीटर पर सेकंड। और इनिशियली पहले ये रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की थी वो जीरो, तो एक्सेलरेशन जो बुलेट पे आया है वो वी माइनस यू बाई टाइम, और टाइम आपको दिया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जब बुलेट फायर नहीं की गई थी तो रेस्ट पे था तो जीरो है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो 300 मीटर पर सेकंड हो गई, और टाइम जो लगा इस पूरी प्रोसेस में बैरल से बाहर आने में वो कितना लग रहा है, 0.003 seconds का। अब आपको फोर्स निकालना है, तो सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकाल लो, तो एक्सेलरेशन होता है वी माइनस यू बाई टी, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 0 बाई टाइम, तो 0.003। तो यहां से देखो बच्चों एक्सेलरेशन आ जाएगा, इससे 1000 और ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 300 × 1000 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो ये 300 मतलब ये 1 हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 और 000 है ना, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ रहा है आपका, ठीक है बच्चों, ये एक्सेलरेशन आ रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 × 10^5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, तो ये एक्सेलरेशन आ रहा है। उसके बाद फिर फोर्स की बात करें, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू, तो फोर्स ऑन बुलेट, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो बुलेट का मास है 10 ग्राम, तो उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, तो × 10^-3 करना पड़ेगा, है ना, ग्राम को केजी में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे ये है एक्सेलरेशन जो है 10^5, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आंसर आपका न्यूटन में आएगा। तो यहाँ से 3 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा, ये कैंसिल, तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये 100 और इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1000, तो 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किस पर, बुलेट पर, किसके द्वारा, राइफल के द्वारा। तो इस तरीके से आप
किसी पे भी फोर्स निकाल सकते हो, रिकॉइल वेलोसिटी निकाल सकते हो, राइफल पे भी फोर्स निकाल सकते हो एंड बुलेट पे भी फोर्स निकाल सकते हो। तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया बहुत आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वाला प्रॉब्लम भी क्लियर होगा। तो देखो बच्चों, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें बोला गया है कि टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस 2 kg एंड 5 kg। तो बॉडी ए है उसका मास 2 किलो है और बॉडी बी जो है उसका मास 5 किलो है ना, और आर इनिशियली एट रेस्ट। तो आर एट रेस्ट इनिशियली, तो पहले वो दोनों रुके हुए थे, इनिशियली रेस्ट पे थे। फिर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाई देम, तो वो एक दूसरे पे फोर्स अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं ईच अदर, और बॉडी जो है वो मूव करना स्टार्ट हो जाती है। फिर कुछ समय के बाद जो बॉडी ए है वो राइट की तरफ मूव करती हुई नजर आती है 0.5 मीटर पर सेकेंड से। आफ्टर सम टाइम बॉडी ए इज फाउंड टू बी मूव राइट विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी एट दैट इंस्टेंट। तो उस समय पे बी वाली जो बॉडी है उसका क्या वेलोसिटी रहा होगा। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई। तो देखो बच्चों, सिचुएशन को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो यहाँ पे ऐसा बोला गया कि दो बॉडीज हैं, लेट सपोज एक बॉडी ए ये है बच्चों, दूसरी बॉडी बी ये है। तो ये जो बॉडी है ये 2 kg की है और ये जो बॉडी है ये 5 kg की है। फिर कुछ तो ऐसा हुआ कि इन दोनों पे अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, मतलब जितना फोर्स ये बी पे लगाती है उतना ही फोर्स ए जो है वो बी पे लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स। अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप ऐसा समझो कि जैसे बच्चों मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट्स, तो अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है तो आपको पता है ना ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो ऐसा समझ लो कि ए और बी मैग्नेट है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो खींचे चले आएंगे, तो वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है अगर हम इन दोनों बॉडीज को सिस्टम मान लें ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ए जो है वो इस मैग्नेट पे बी पर फोर्स लगा रहा है और बी वाला मैग्नेट ए पर फोर्स लगा रहा है, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, है ना। ऐसे आप ध्यान से देखो तो बिना कॉन्टेक्ट के ये फोर्स लग सकता है ना, तो ऐसी सिचुएशन उसने बोली हुई है। तो अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो इनिशियली ये दोनों बॉडी रेस्ट पे थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जब ये फोर्स लगना चालू नहीं हुआ था तो इसका भी रफ्तार 0 था, यू बी और यू ए एक ही भी रफ्तार 0 थी, दोनों इनिशियली रेस्ट पे थी। अब अगर मैं बच्चों इनको सिस्टम मान लूं, सिस्टम इनको अगर मैं एक सिस्टम कंसिडर कर लूं, तो इस सिस्टम में दोनों बॉडी के कॉम्बिनेशन का जो सिस्टम बना उस पे एक्सटर्नल तो कोई नहीं लग रहा ना बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है क्योंकि ए बी पे लगा रहा है, बी ए पे लगा रहा है, लेकिन एक्सटर्नली कोई नहीं लगा रहा क्योंकि मैंने दोनों को सिस्टम मान लिया। तो ए और बी दोनों सिस्टम के पार्ट है, तो सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स फोर्स लगा रहे हैं, तो अब ये इंटरनल फोर्सेस हो गए, ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहे, है ना। और एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया, और अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाता तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। तो इनिशियल तो इनका कोई भी मोमेंटम नहीं था क्योंकि दोनों की रफ्तार 0 थी, तो फाइनल क्या मोमेंटम होगा सिस्टम का। अच्छा एक बात और ध्यान दें, यहाँ पे आपको डायरेक्शन मानना पड़ेगा, तो राइट वाली डायरेक्शन हम प्लस मान लेते हैं बच्चों, और जो लेफ्ट वाली डायरेक्शन है उसको हम माइनस मान लेते हैं। अब हुआ क्या है कि सिचुएशन ये फोर्स लग रहा है बट नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0 है, तो ये मूव तो कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल फोर्सेस। तो कुछ समय के बाद ए खिसक के इधर आ जाता है, तो उसकी रफ्तार जो होती है वेलोसिटी ऑफ ए वो आपको बताई जा रही है कि 0.5 मीटर पर सेकेंड है, और उस समय बी भी कुछ खिसक के आगे आ गया होगा और उसकी भी कुछ रफ्तार होगी इस साइड। तो ये वेलोसिटी ऑफ बी जो है ये फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो ये आपकी फाइनल सिचुएशन है बच्चों, है ना, जहां पे ये वी भी निकालना है। तो इसका क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम, ये आपका इनिशियल कंडीशन है इनिशियली, और ये आपकी फाइनल कंडीशन है फाइनली। तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम आप इक्वल कर दो सिस्टम का, क्योंकि इसको तो आपने सिस्टम माना हुआ है ना भाई। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया है, तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन आराम से लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे कि हम जानते हैं कि हेयर नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0 ऑन द सिस्टम ऑफ टू बॉडीज। हमने दो बॉडीज को सिस्टम ले लिया है, टू बॉडीज, बॉडीज ए एंड बी, है ना बच्चों। तो हम यहां पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ
मोमेंटम। अब देखो, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, लेकिन सिस्टम में दो बॉडी, तो इनिशियल मोमेंटम यानी कि मास ऑफ ए इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू मास ऑफ ए फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी। अब ये यू ए और यू बी तो बच्चों जीरो है, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हो गया जीरो। मास ऑफ ए जो है 2 kg और इसकी वेलोसिटी देखो बच्चों राइट की तरफ है, तो हम पॉजिटिव में लेंगे, पॉजिटिव राइट की तरफ वाली पॉजिटिव डायरेक्शन है, प्लस मास ऑफ वेलोसिटी मास ऑफ बॉडी बी दैट इज 5 kg, बट हमें समझ में आ रहा है इसकी वेलोसिटी बच्चों लेफ्ट की तरफ है, तो लेफ्ट की तरफ है तो उसको नेगेटिव साइन में लेना पड़ेगा, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ बी है ना, क्योंकि वो लेफ्ट की तरफ है। अब वी भी निकालना, निकाल लो, तो ये -5 VB आ जाएगा, तो इधर ले जाओ तो +5 VB हो जाएगा बच्चों, और ये इक्वल्स टू 2 × 0.5, तो ये बनेगा 1। तो इसको आप 5 से डिवाइड कर दो तो जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी है वो 1/5 आ जाएगा, डेट इज VB इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई, डेट इज 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसे क्वेश्चन बच्चों को बहुत टफ लगते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, सिस्टम अगर आपको लेना आता है अच्छे से और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अच्छे से अप्लाई करना आता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी के साथ परफॉर्म कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, है ना। बस साइन का ध्यान देना बच्चों, प्लस माइनस का, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, आंसर आपका आएगा नहीं, है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बच्चों क्लियर होगा, है ना, तो इसको नोट कर लो जल्दी से। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा गया, 40 केजी स्केटर, मतलब जो स्केटबोर्ड पे चला रहा है, स्केटबोर्ड पर स्केट कर रहा है, उसको स्केटर बोल रहा है ना, मूविंग एट 4 m/s ईस्टवर्ड, तो ईस्ट की डायरेक्शन में 4 m/s चल रहा है, कोलाइड करता हेड ऑन एक 60 kg स्केटर जो है विद 60 kg स्केटर, मतलब एक और स्केटबोर्ड पे बच्चा जो है वो ट्रेवल कर रहा है एट 3 m/s और वेस्टवर्ड, मतलब एक वेस्ट में आ रहा है तो एक ईस्ट में जा रहा है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं बच्चों, है ना। If two scatters remain in contact, तो टकराने के बाद मान लो दोनों उलझ गए, फंस गए, दोनों साथ में, तो after collision, what is their final velocity? तो दोनों की इकट्ठी, जो इकट्ठे वो चलेंगे, तो किस velocity के साथ चलेंगे, ये आपको बताना। तो चलिए इसका सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए पहले सिचुएशन ड्रॉ कर लो जो आपसे बोला गया है। तो एक आपका स्केटर है ना, ए मान लो, जिसका मास 40 kg है, तो वो ईस्ट की तरफ आ रहा है, कितनी रफ्तार से, 4 m/s। फिर एक दूसरा स्कैटर है बी, वो वेस्ट की तरफ आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो 3 m/s, है ना। फिर ये दोनों क्या होते हैं कि कोलाइड करते हैं ए और बी, और ए और बी कोलाइड करने के बाद चिपक जाते हैं, मतलब कांटेक्ट में रहते हैं, ये बोल रहा है। तो इनकी मिलकर, इनकी जो मिलकर वेलोसिटी है फाइनल, वो कितनी होगी, ये 60 kg का स्कैटर है, ये सवाल में आपको बोला गया। अब देखो जो फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो हमें क्या करना चाहिए कि ये दोनों आपस में कुछ फोर्स लगा रहे होंगे टकराने के बाद, है ना, लेकिन अगर मुझे उस फोर्स को कंसीडर नहीं करना है, तो मुझे इन दोनों को सिस्टम मान लेना चाहिए, तो फिर मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बड़ी आसानी से यूज कर सकता हूँ बच्चों। तो मैं क्या करूंगा कि इन दोनों स्कैटर्स को लेकर एक सिस्टम ले लूंगा, तो इन दोनों का जो फोर्स है वो इंटरनल हो जाएगा, है ना, इसको मैंने सिस्टम कंसीडर कर लिया, तो इन दोनों पे लगने वाला जो फोर्स है वो इंटरनल हो जाएगा, तो एक्सटर्नल फोर्स आपका बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है फिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकता हूँ। तो चलिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि साइन कन्वेंशन लेना जरूरी है बच्चों, है ना। तो अगर आपने राइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर किया है, तो लेफ्ट की डायरेक्शन को निगेटिव कंसिडर करें, है ना, ये जरूरी याद रखें, है ना, तो आंसर आपका आएगा बच्चों। तो देखो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो है, ये तो आपको पता ही चल रहा है यहाँ पे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्योंकि जीरो है, इसलिए हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे तो मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, यही तो हमने देखा भाई। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है,
तो ए का और बी का जो इनिशियल मोमेंट है उसका सम, तो ए का इनिशियल मोमेंट है मास ऑफ ए दैट इज 40 मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ ए, तो 4 मीटर देखो राइट की तरफ, राइट की तरफ तो राइट वाली डायरेक्शन अपन को पॉजिटिव लेना है, तो 4, फिर प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, तभी तो वो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम होगा, तो बी का मास है 60 इंटू उसकी वेलोसिटी, देखो इसकी वेलोसिटी पी लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ उसको हमने नेगेटिव माना है, तो यहाँ पे -3 करना पड़ेगा, इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम मतलब मास, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए प्लस फाइनल मोमेंटम बी, तो मास ऑफ ए, तो मास ऑफ ए कितना है बच्चों 40 इंटू उसकी वेलोसिटी वी, देखो राइट की तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे, प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बी, और बी का मास है 60 और उसकी वेलोसिटी वी है बच्चों, क्योंकि दोनों चिपक लिए हैं तो दोनों की वेलोसिटी कैसी होगी, एक साथ होगी, सेम होगी, है ना, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो दिस इज 40 इंटू 4 दैट इज 160, प्लस प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, तो 60 इंटू 3 जो है ये हो जाएगा 180, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, 40 इंटू 4 16 हो जाता और 3 इंटू जो 6 है वो 18 हो जाता, -80, और यहाँ पे देखो ये 100 वी, वी हमें निकालना था, तो बच्चों ये आ जाएगा -20 इज इक्वल्स टू 100 वी, तो वी की वैल्यू आ जाएगी अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 20/100, तो ये कैंसल, तो बच्चों आपका आंसर आ रहा है -0.2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द आंसर। अच्छा माइनस का मतलब क्या है कि हमने ये माना था कि भाई टकराने के बाद ये राइट साइड जाएंगे, लेकिन ये टकराने के बाद राइट साइड नहीं जा रहे हैं, ये टकराने के बाद बच्चों लेफ्ट साइड जा रहे हैं, क्योंकि निगेटिव आ रहा है ना, तो निगेटिव डायरेक्शन में है दोनों की वेलोसिटी, टकराने के बाद दोनों साथ में जा रहे हैं, और तो स्टूडेंट्स टकराने के बाद जो ये है ये दोनों साथ में कांटेक्ट में, और कांटेक्ट के साथ वो लेफ्ट में जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी है निगेटिव आ रही है, मतलब वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, समझ में आया होगा इस सवाल को हमने कैसे किया है, ये भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा, है ना बच्चों, तो इसको जल्दी से नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखें स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बोला गया टू ब्लॉक्स ए एंड बी मासेस ऑफ 2 kg 10 kg रेस्पेक्टली मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन कोलाइड हेड ऑन, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, वेलोसिटी जो है ए और बी की जस्ट बिफोर कोलिजन वो 10 और 2 मीटर पर सेकेंड दिया है रेस्पेक्टिवली, आपको फाइनल वेलोसिटी बताना है अगर दोनों ब्लॉक स्टिक कर जाते हैं, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था वैसे ये भी हमें करना है सॉल्व, तो बड़े ही आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, चलिए देखिए कैसे, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जैसे ये ए ब्लॉक है ये आपका बी ब्लॉक है, तो टकराने से पहले इसकी रफ्तार ए वाले की कितनी है बच्चों, देखो ये 10 लिखा हुआ है तो ये 10 मीटर पर सेकेंड है, फिर टकराने से पहले इसकी जो रफ्तार है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो हमने अपोजिट डायरेक्शन बना लिया, फिर ये दोनों कोलाइड कर गए, कोलाइड कर गए तो दोनों चिपक गए, दोनों चिपक गए तो दोनों साथ में वेलोसिटी वी है, मान लो ए का जो मास है वो 2 kg है, बी का जो मास है वो 10 kg है ना स्टूडेंट्स, और टकराने के बाद तो यहाँ पे डायरेक्शन ले लो, तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, पीछे की डायरेक्शन जो है नेगेटिव ले लो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, फिर से हम क्या करेंगे वही काम करना है कि भाई सिस्टम ले लेना है, तो इसको सिस्टम मान लो, तो इन पे लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा तो इस सिस्टम में दोनों बॉडीज के सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, तो फिर से यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर दो, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन अप्लाई करें तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, अब यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम मतलब इनिशियल मोमेंटम एफ ऑफ ए प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए इज 2 इंटू इसकी डायरेक्शन राइट साइड है तो 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस बी का जो मास है वो 10 kg इंटू इसकी वेलोसिटी लेफ्ट में, लेफ्ट की डायरेक्शन नेगेटिव है, तो -2 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो मास ऑफ ए डेट इज 2 इंटू इसकी वेलोसिटी वी प्लस मास ऑफ बी डेट इज 10 kg प्लस उसकी वेलोसिटी इनटू उसकी वेलोसिटी, वो भी है क्योंकि दोनों की वेलोसिटी, दोनों चिपक गए ना तो दोनों की वेलोसिटी सेम है, अब बच्चों आप सॉल्व कर लो तो वेलोसिटी मिल जाएगा कि चिपकने के बाद दोनों कितने वेलोसिटी जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 12 V, और ये करोगे तो 20 -20, देखो बड़े इंटरेस्टिंगली ये दोनों कैंसिल हो गए तो फाइनल वेलोसिटी है वो 0, मतलब चिपक गए और वहीं रुक जाएंगे, यहाँ पे वो रेस्ट पे आ जाएंगे,
इनकी अब कोई भी वेलोसिटी नहीं रहेगी, तो टकराने के बाद देखो चिपक गए और वहीं रुक गए। तो इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर चिपक जाए तो निकाल सकते हो, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है तो भी आप निकाल सकते हो, बड़ी आसान से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको बहुत सारे सवाल इस पे बेस्ड करा दिए, तो आई होप आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी चीजों को समझने में और ऐसे क्वेश्चंस करने में, है ना बच्चों? तो इसको नोट कर लें और खूब प्रैक्टिस करें सवाल की। जितनी सवाल की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे। तो देखो स्टूडेंट, चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट डन है, बस एक छोटी सी चीज में बताना है, हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी आप सुन लो। इसको बोलते हैं इम्पल्स। हालांकि इम्पल्स अपने आप में पढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है ना, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी होते हैं इम्पल्स के, है ना? लेकिन खैर वो सब अब हमें डिस्कस नहीं करना है, वो आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा। अभी तो केवल आप इम्पल्स नाम की क्वांटिटी सुन लो और मैं जो डेफिनेशन बोल रहा हूँ उसको याद रखना, तो आपको न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे अगर कभी आए, और डिफाइन करने को आए तो वो भी आपको बन जाएगा। तो ये याद रखेंगे कि जो इम्पल्स है, तो इम्पल्स की डेफिनेशन बोली गई है, इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम, फोर्स एंड द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट्स। जितने समय के लिए फोर्स एक्ट कर रहा है उतने समय को और फोर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक नई क्वांटिटी मिलती है, डेट इज इम्पल्स। तो इम्पल्स को डिफाइन किया गया है, ये फॉर्मूला याद रखें, फोर्स इंटू टाइम। तो कभी भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप यहां से इसको यूज कर सकते हैं। तो देखो इसकी यूनिट हो जाएगी, फोर्स की यूनिट होती है, मतलब अगर न्यूटन ना बोलो तो आप वैसे बोलो तो केजी मीटर, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय टाइम है तो टाइम सेकंड हो गया, तो सेकंड सेकंड कैंसिल, तो इंपल्स की यूनिट हो जाती है केजी मीटर पर सेकंड, है ना बच्चों? या फिर इसी को, क्योंकि फोर्स को न्यूटन कहा जाता है, तो न्यूटन इंटू टाइम, तो न्यूटन इंटू सेकंड, तो न्यूटन सेकंड भी इसकी यूनिट है और केजी मीटर पर सेकंड भी इसकी यूनिट है। अच्छा बच्चों, ये फोर्स इनटू टाइम से आपको कुछ चीजें और समझ में आ रही होंगी, ऐसा चीज तो हम पहले भी देख चुके हैं, मतलब फोर्स इनटू टाइम ही देखा, लेकिन आप मोमेंटम के रेस्पेक्ट में याद करो। जो आपका मोमेंटम फोर्स का सेकंड लॉ ने डेफिनेशन दिया था वो क्या बोला था कि फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम है डेल्टा पी, वो फोर्स इनटू टाइम है। यानी कि देखो इम्पल्स एक अलग क्वांटिटी है और चेंज इन मोमेंटम एक अलग क्वांटिटी है, लेकिन न्यूमेरिकली ये दोनों सेम है। यहाँ पे भी फोर्स इनटू टाइम इम्पल्स है, यहाँ पे भी फोर्स इनटू टाइम। तो कभी अगर आपको ऐसा हो जाए कि आपको क्या दिया जाए, आपको मोमेंटम दिया जाए इनिशियल और फाइनल, और इम्पल्स निकालने को बोला जाए, तो आपको फोर्स निकालने की जरूरत नहीं है, आप चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, इम्पल्स अपने आप आ जाएगा। न्यूमेरिकली इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, याद रखेंगे। और ये जो इम्पल्स और मोमेंटम में रिलेशन है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, इसमें जो रिलेशन है इसको बोला जाता है बच्चों इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है ये थ्योरिटिकली ओलंपियाड वगैरह में, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। बस इतना आपको जानना जरूरी है, तो आपके न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे अगर एक दो न्यूमेरिकल्स पूछ ले। तो मोमेंटम दिया जाए तो इम्पल्स निकाल सकते हो, फोर्स और टाइम पता है तो भी इम्पल्स निकाल सकते हो, उसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना? उसके बाद फिर ये याद रखिएगा कि जो आपका ये जो इम्पल्स है बच्चों, ये इम्पल्स जो है वहां पे मीनिंगफुल होता है जहां पे फोर्स की वैल्यू बहुत लार्ज होती है, बहुत ज्यादा होती है और बहुत कम टाइम के लिए फोर्स लगता है, मतलब सडनली जैसे हिट किया जाता है कोई, जैसे एक कार है वो जाके दीवार से टकरा जाए, तो बहुत कम टाइम में उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, अचानक से रुक गई ना कार, इसलिए तो वो कार टूट जाती है एक्सीडेंट में, इसलिए कार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा मोमेंटम चेंज होता है तो फोर्स बहुत ज्यादा लगता है, उस केस में उसको इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स का मतलब झटका लगना, अगर मैं आपको हिंदी में इसका बोलूं तो आप ऐसा सोच सकते हो झटका लगना, झटका लगना इज इम्पल्स। तो बहुत कम टाइम में जब ज्यादा मोमेंटम चेंज होता है तब झटका लगता है, उसी को हम इम्पल्स बोलते हैं। तो ये वाला
पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे, मैं नीचे लिख देता हूं, द टर्म इंपल्स इज जनरली जनरली यूज्ड व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स large amount of force is applied for a short time. और इसको याद रखने के लिए, मतलब थोड़ा सा एहसास करने के लिए, बाकी बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन होता है क्योंकि काफी जगहों पे यूज होगा ये इंपल्स, लेकिन अभी हमारा वो स्कोप नहीं है सिलेबस का कि हम उसको कवर कर पाएंगे यहाँ पर. तो आप सिंपल सिंपल इस टर्म को ऐसे याद रखो कि इंपल्स है जो बच्चों, उसका मतलब अगर आपको ऐसे फीलिंग के लिए चाहिए तो आप याद रखेंगे झटका, झटका ऐसे याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं. तो इस तरीके से याद रखेंगे कि उसका मतलब होता है, अगर हिंदी में हम बोले तो झटका का मतलब होता है इंपल्स, है ना, जहां झटके लगते हैं वहां पे एक्चुअली में इंपल्स फॉर्म हो रहा होता है. तो लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है, मोमेंटम का चेंज होता है बहुत ही शॉर्ट टाइम में, तो वहां पर जो बहुत लार्ज फोर्स है उसको डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए हम इंपल्स को डिफाइन करते हैं. तो आई होप आपको ये इंपल्स वाला पॉइंट भी क्लियर है. तो अगर छोटे मोटे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे थ्योरिटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल, तो आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो. तो आई थिंक बच्चों आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं और ये चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आया होगा, है ना.